सब्सक्राइब कीजिए इन्फोबियर चैनल को ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सैगल ऑटो राइडर्स का, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुआ है। तो आइए हम आज हीरो डेस्टिनी के बारे में बात करते हैं। पहले हम डिजाइन एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रंट पैनल के यहाँ देखें तो आपको सिंपल सिल्वर कलर का एक्सेंट मिलेगा, जो कि इस स्कूटर को और अट्रैक्टिव बनाता है। और उसी के साथ आपको बैक पैनल के ऊपर भी सिल्वर पार्ट मिलेगा और डेस्टिनी 125 की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। सीट भी अच्छा खासा बड़ा है और वेल कुशन है, जिस पर राइडर एज वेल एज पिलियन को जरूर कंफर्ट मिल जाएगा। हेडलैम्प की बात करूँ तो ये भी बड़ा है और इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा, जो रात के विजन को क्लियर कर देगा। स्कूटर में आपको IBS सिस्टम मिलती है, मींस इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। सपोज आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो कैलकुलेटेड अमाउंट में आगे वाला ब्रेक भी अप्लाई होगा, जिससे आपकी स्कूटर की ब्रेकिंग एबिलिटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और स्कूटर स्कीड भी नहीं करेगी। स्कूटर में AHOA फीचर मिलता है, मींस ऑटो हेडलैम्प ऑन। इसकी वजह से स्कूटर दूर से ही हाईलाइट होगी, यानी कि ये एक सेफ्टी फीचर है। स्कूटर में आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिल जाएंगे। आपको स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग फैसिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से राइडर का कन्वीनियंस में बढ़ोतरी होती है। स्कूटर की अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी है और अगर आप डेस्टिनी VXA वेरिएंट लेते हो तो आपको वहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और बूट लैंप भी मिल जाएगा। आपको इग्निशन में ऑल इन वन फीचर मिलेगा, मतलब आप वहां से ही सीट ओपन और फ्यूल लिड भी ओपन कर सकते हो। ग्रैब रेल भी काफी मजबूत है और ए पिलियन के लिए मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ आपको फुटबोर्ड के यहाँ डिसेंट अमाउंट में स्पेस मिल जाएगा और वहां पे दो हुक्स भी अवेलेबल है, एक सीट के आगे और एक सीट के नीचे। साथ ही साथ स्कूटर में आपको एक्सेंस FI सिस्टम मिलेगी, जिसमें आपको कुछ सेंसर्स मिलेंगे जो राइडिंग कंडीशन के अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे स्कूटर के परफॉर्मेंस को। FI सिस्टम में एयर और फ्यूल का मिक्सचर सही मात्रा में कंबशन चेंबर में जाता है और हर एक फ्यूल ड्रॉप ऑप्टिमाइज होता है, जिससे आपके बाइक की पावर भी बढ़ेगी और माइलेज भी बढ़ेगा। और सेंसर्स कुछ इस प्रकार है: ऑक्सीजन सेंसर, थ्रॉटल पोजिशन सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, क्रैंक पोजिशन सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, बैंक एंगल सेंसर और व्हीकल स्पीड सेंसर। स्कूटर में आपको I3S टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो फ्यूल सेविंग में काम आएगी। जब आप आइडियल स्टेट में होगे तो ये टेक्नोलॉजी गाड़ी के इंजन को ऑफ करेगी और जैसे ही आप एक्सीलेटर थोड़ा सा घुमाओगे तो स्कूटर का इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इस स्कूटर में आपको स्विच गियर भी बढ़िया क्वालिटी के मिल जाएंगे। स्कूटर में आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिलेगा, जो स्पीडोमीटर एनालॉगली दिखाएगा तो ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज जैसी इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटली दिखाएगा। साथ ही साथ वहां पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर ए ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इंजन की बात करो तो आपको इस स्कूटर में एयर कूल 4-स्ट्रोक SI 124.6 cc BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाएगा, जो 9 BHP की मैक्सिमम पावर देगा। तो टॉर्क आपको मिलेगा 10.4 न्यूटन मीटर। अब आप इस स्कूटर का एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए। सस्पेंशन की बात करें तो आपको इस स्कूटर में आगे मिलेगा टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर और पीछे मिलेगा यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर। अब देखते हैं ब्रेकिंग के बारे में। तो स्कूटर में IBS टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और आगे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और पीछे भी आपको मिलेगा 130mm का ड्रम ब्रेक। डायमेंशन का देखें तो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 5 लीटर और व्हील की साइज है 10 इंच और आपको दोनों तरफ 90/100 के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे। लेंथ है 1809mm, विड्थ 729mm, हाइट 1154mm, व्हील बेस 1245mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155mm और कप वेट मिलेगा 113 kg। अगर आप डेस्टिनी का दूसरा वर्जन लेते हो तो आपको उसमें फ्रंट पैनल पे क्रोम फिनिशिंग मिलेगी, साथ ही साथ आपको उस स्कूटर में अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। तो इस स्कूटर की एक शोरूम प्राइस इन पुणे है 68,000 रुपीस के आसपास और VX वेरिएंट की प्राइस है 71,000 रुपीस के आसपास। VX वेरिएंट में डिजाइन के मामले में थोड़े ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑन रोड प्राइस पता करनी हो और आप PCMC रीजन में आते हो तो जरूर सैगल ऑटो राइडर्स इस शोरूम में जाके कॉन्टेक्ट कीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।